हनुमंत्या कांग बीती रात अचानक मौसम ने करवट बदलने से कई जगहों पर हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की आफतें बढ़ा दी है। सरदारपुर क्षेत्र के आसपास ग्रामीण अंचल में बेमौसम बरसे बादलों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने कहा कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि मौसम इस कदर बदलेगा कि आसमान से आफत की बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन बादलों ने पानी गिराया तो खेतों में खड़ी फसल गेहूं और चने की फसलें चौपट हो गई। दरअसल तकरीबन 2 घंटे भर तक बारिश ने खड़ी फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों के चेहरों पर फसल तबाही के बाद की मायूसी साफ देखी जा सकती है। सरदारपुर के ग्राम हनुमंत्या काग एवं आसपास के क्षेत्रों में बरसात का असर साफ देखा जा सकता है। टीम भारती न्यूज। आज रात में पानी गिरा जिससे भारी नुकसान हुआ, हमारी फसलें जमीन के बल लेट गई हैं, जिसे इसमें कुछ भी अन्न निकलने की कोई संभावना नहीं है। तो सारी फसल नष्ट हो गई। सारी फसल नष्ट हो गई, ऊपर से और अब मौसम बहुत खराब हो रहा है, जिसके कारण ये बची कुची थोड़ी बहुत फसलें ये भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे शासन से ये रिक्वेस्ट है कि कम आज रात में तेज बारिश के कारण गेहूँ की फसल सारी नष्ट हो गई और इतना तेज बारिश हुई कि समझ ही नहीं पड़ा किसान को कि क्या होगा। इससे सारी फसल लेट गई जमीन के नीचे। कौन कौन सी फसल नष्ट हुई? ये गेहूं और चने के तो फूल आ रहे थे, तो चना पहले भी बारिश हो गई थी एक बार, तो पहले ही फूल गिर गए और अब इस बार फिर ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल तो बहुत सारी नुकसान हुआ है। शासन से कोई कुछ मांग? शासन से हमारी यही मांग है कि उचित सर्वे करवा कर मुआवजा दिलाया जाए। अभी तो कोई अधिकारी आया आपके पास? अभी तक तो कोई नहीं आया है। ये हमारी फसलें सारी नष्ट हो गई है। 3 महीने से हम लगातार मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक करके हमने पूरी पूरी रात यहाँ फसल को पानी दिया। यूरिया खाद हम लाइन में लग लग के 450-400 रुपये में लाए, DAP खाद हम 1200-1400 रुपये में लाए, और हमने जैसे तैसे करके अपनी फसल को इस लायक बनाया था। आज 3 महीने से हम मेहनत कर रहे थे और आज कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया कि हमारी सारी फसलें ये नष्ट हो गई। अब इसमें से कुछ निकलने की संभावना नहीं है। सरकार से क्या कुछ मांगे? सरकार से हमारी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ये हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार हुआ है और इसमें पटवारी के द्वारा इसका सर्वे करवाए और उचित मुआवजा दिलवाए ताकि किसान बच सके, अन्यथा किसान नष्ट हो जाएगा, कुछ बचना नहीं होगा। और आने वाली बारिश आज और दिख रहा है पानी, अगर ये और गिर गया है तो बस फिर तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा, अपने बच्चों का वो पालन पोषण ही कैसे करेगा। कौन कौन सी फसल नष्ट होने वाली? फसलें तो करीब करीब सारी नष्ट हो गई है। चने में भी फूल आ रहे थे, हाँ, वो भी सब गिर गए, और मटर थे वो भी नष्ट हो गए, और गेहूँ तो ये आप देख ही रहे हो। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि उचित मुआवजा दिलवाए और हमारी भरपाई करें, अन्यथा किसान नष्ट हो जाएगा। अभी तक कौन कोई अधिकारी आया था? जी कोई नहीं आया। रात को हमने पूरी रात हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, इतनी भारी बारिश हुई कि हमारा क्या होएगा, हमारा खेत का क्या होएगा। आपका नाम? सुबह आके देखा तो ये इस तरह से हाल हो रहा है, देख लो आप। आपका नाम? मेरा नाम झमकलाल मारू, हनुमंत्या काग, जिला धार, मध्य प्रदेश। Subscribe now to most exciting channel ever.